देखिए आज पूरे देश में प्रातः 8 बजे से मतगणना चालू हुई है और पूरे देश में अभी मतगणना का क्रम शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। कई जगह 6 बजे तक भी चलेगा, कई जगह शाम तक भी चलेगा। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का कहीं ना कहीं भाजपा सभी को बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार गलती से हम छिंदवाड़ा की सीट हार गए थे, इस बार प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई है। 29 की 29 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश मोदी में हो गया है, पूरा मध्य प्रदेश में भगवा लहर चल रही है। 29 की 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण करेगी। 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलेगा और राजगढ़ के अंदर दिग्विजय सिंह की करारी हाथ होगी और छिंदवाड़ा के अंदर नुकुल नाथ की करारी हार होगी। यूपी की कई सीटों पर विजय गठबंधन आगे चल रहा है, देखिए अभी तो पूरे परिणाम आ रहे हैं। अभी तो कई सीटों के ऊपर मतगणना चल रही है, आत्म विश्लेषण शाम को हम करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। पर मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में स्पष्ट बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए कांग्रेस तो बरसों से सरकार बना रही है, मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, शांता पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी देश में प्रदेश में कई हिस्सों में 6ठे राउंड की काउंटिंग चल रही है, कई जगह 8वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, कई जगह 9वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। पूरी काउंटिंग हो जाने दीजिए। स्पष्ट बहुमत के साथ मैं पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।